सब भंडार के बारे में बता रहा हूँ। सब भंडार में पर्यायवाची समान अर्थ बताने वाला विदोम सब विकृतार्थी वाक्यांश के लिए एक शब्द और अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। सबसे पहले हम पर्यायवाची के बारे में बता रहे हैं। पर्याय का अर्थ होता है समान, उसके बराबर का अर्थ बताने वाले को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पूरी तरह से कोई शब्द एक शब्द का पर्याय नहीं होता है, कुछ न कुछ भिन्नता होती है, लेकिन कुछ मान्यताओं के आधार पर उसको पर्याय मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे पानी और जल, पानी का पर्याय जल है, लेकिन दोनों में अंतर है। शुद्ध और पीने योग्य पानी को ही हम जल बोलेंगे, और पानी तो किसी को भी बोल देंगे, गंगा जल शुद्ध और पवित्र है, गंगा पानी नहीं बोलेंगे, गंगा जल। तालाब का पानी, सागर का पानी, वहाँ पानी बोला जाएगा। कचरे में जो कचरा से बह रहा है वो पानी है, इस हिसाब से पूर्ण रूपेण कोई शब्द एक शब्द का पर्याय नहीं होता, केवल मान्यताओं के आधार पर उसका पर्याय मान लिया जाता। तो पर्यायवाची शब्द सर्वनामी वाची, तो यहाँ कुछ पर्यायवाची शब्द आप लोग को दिए जा रहे हैं, अभी इनके बारे में आप लोग को बता रहा हूँ। आँख का पर्याय है नेत्र, चक्ष, नयन, दृष्टि, लोचन, दृग, विलोचन आदि। दूसरा है गंगा, भागीरथी, मंदाकिनी, जाह्नवी, अलकनंदा, देव नदी, सूर नदी इत्यादि। गाय, धेनु, गौ, गऊ, अदिति, सुरभि, डोंभि और गैया। घोड़ा, हस्त, बाज, खै, सुरंग, घोड़ा, घोटक, सोज इत्यादि। आकाश, नभ, योग, गगन, अंतरिक्ष, आसमान, अनंत, जिसका कोई अंत ना हो,
आम, रसाल, आम्र, अमृत फल, आमू, टिकबालू, अति सौरभ, प्रियांबू, पति, पिया, वल्लभ, वालम, भर्ता, भर्ता, स्वामी, प्रायते, पत्नी, दारा, भार्या, अर्धांगिनी, वामा, प्राणपिया, गृहिणी, घरवाली, इत्यादि। लड़का, पुत्र, पुत्र, बेटा, लड़का, अनुज, सॉरी, नंदन, लाल, समय, आत्मज और कुमार। लड़की, कन्या, पुत्री, तनुजा, सुता, नंदिनी, आत्मजा, दुहिता, दोनों जगह की हित चाहने वाली, दुहिता। पृथ्वी, पीला, अचला, धरती, पृथ्वी, क्षमा, वसुधा, वसुंधरा, क्षिति और धरती। हवा, बार, अनिल, वाय, शरीर, वाय, बार, अनिल, पवन, समीर, बयार और पानी। पानी, जल, नीर, अम्ब, तोय, वाय, पर और अमृत। पक्षी, चिड़िया, केचर, नक्षर, गगनचर, पखेरू, देहर, देहंग, देहंगम, चिड़ई, द्वि इत्यादि। घर, मकान, धाम, आवास, आलय, निकेतन, आवास, सदन इत्यादि। अब आ जाइए विलोम शब्द। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। विलोम शब्द को एंटोनिमस उल्टा शब्द, विपरीतार्थी शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। अपने से विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए अनुकूल का विलोम होगा प्रतिकूल, अस्त का विलोम उदय, अधिक का न्यून माने कम, ऊंच का नी, गुण का दो, लाभ का हानि, गरीब का अमीर, अंधेरा का उजाला, धरती का आकाश, मोटा का पतला, धनी का निर्धन, लड़का का लड़की, माता का पिता।
उपस्थित का अनुपस्थित, अग्रज का अनुज, आयात का निर्यात, आस्तिक का नास्तिक। आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास रखता है, ईश्वर को मानता है, नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानता, आयात जो दूसरी जगह से सामान, दूसरे देश से सामान अपने देश में आता है फॉरेन कंट्री से, उसे आयात करते हैं। और विदेशों में जो सामान अपने देश से भेजा जाता है उसे निर्यात बोलते हैं। इस हिसाब से आयात का विलोम होगा निर्यात। वाक्यांश के लिए एक शब्द निराकार, जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। जैसे हमारा भगवान निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। निर्विकार, जिसमें कोई विकार ना हो, परिवर्तन ना हो, निर्विकार। निर्दोष, जिसका कोई दोष ना हो। निर्दय, जिसमें दया ना हो। निर्लज, जिसमें लज्जा ना हो। निर्मम, जिसमें ममता ना हो। आनंद, जिसका कोई अंत ना हो। अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो। आजीवन, जीवन भर। पारंगत, किसी विषय का पूर्ण जानकारी रखने वाले को पारंगत बोलते हैं। निर्णय, जहां कोई ना हो। मिताहारी या अल्पाहारी, कम खाने वाला। मांस खाने वाला मांसाहारी, मांस न खाने वाला शाकाहारी। 100 साल का समय शताब्दी, 6 महीने का समय अर्धवार्षिक, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक, प्रतिदिन होने वाला दैनिक, छह महीने में होने वाला अर्धवार्षिक, 3 महीने में एक बार होने वाला त्रैमासिक। इस प्रकार से वाक्यांश के लिए एक शब्द चैप्टर खत्म हुआ। अगला आगे फिर आपको बताऊंगा। धन्यवाद।